डू रिमेंबर द वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ यकाउंटिंग लाइफ अपने पूरे अकाउंट्स की लाइफ में सबसे पहला एडजस्टमेंट जो आप पढ़ते हो वो आप पढ़ते हो के लास्ट चैप्टर में अकाउंट्स द वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट यस आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग स्टॉक डू यू रिमेंबर दैट ऑफ कोर्स आई डू रिमेंबर ये बाय हार्ट है मुझे एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड

नो डोंट गिव मी एन आंसर दैट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं इसके लिए क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉप देते हैं चलेगा बहुत वर्ल्ड बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया यार ऐसे तब आंसर नहीं चलेंगे लेट मी एक्सप्लेन यू दिस से फॉर एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल आपने टू बुक्स परचेस किया कितने बुक्स परचेस किया आपने दो वन बुक इज कॉस्टिंग यू ट्वेंटी रुपीज सो टू बुक्स विल कॉस्ट यू एक बुक का ट्वेंटी एक बुक का ट्वेंटी विल कॉस्ट यू टोटल फोर्टी रुपीज आपने उसमें से एक बुक को सेल कर दिया यू सोल्ड इट टू येंड से फॉर ट्वेंटी फाइव रुपीज बीस रुपए का बुक लाया एक उसमें से एक बुक सेल कर दिया ट्वेंटी फाइव रुपीज में इफ आई आस्क यू वॉट इज माई प्रॉफिट दट से द कैलकुलेट इज वेरी सिंपल दट इज फाइव रुपीज इज माई प्रॉफिट ज्यादा डार्क हो गया क्या ये माय प्रॉफिट फाइव रुपीज कैसे आया फाइव रुपीज ट्वेंटीज माई प्रॉफिट डन सो क्लोजिंग स्टॉक एक मिनट भाई एक मिनट चलो अगर मैं इसी को अगर मैं अपने अकाउंटिंग फॉर्म में प्रेजेंट करूं सो कैन आई आई से विल बी राइटिंग ओवर हियर मेरा परचेज था से से नहीं मेरा परचेस था फोर्टी रुपीज का मेरा सेल था ट्वेंटी किया है ना आपको अकाउंट क्लोज करना आता है तो ये मेरा क्या हो जाएगा ग्रॉस लॉस तो पंगा हो गया ना भाई पांच रुपये का प्रॉफिट किया है, अपने को का दिखा रहा है। यार अकाउंट गलत है अकाउंट्स नहीं करना है मेरे को भाई अकाउंट्स गलत नहीं है आपने यहाँ पे जो किया है वो गलत है नाउ इफ आई इफ आई इफ आई प्रेजेंट दिस इन दिस फॉर्म हैव अ लुक एट दिस आप मैंने परचेज किया था से शॉर्टकट लिखो परचेज 40 मैंने परचेज किया था ₹40 रुपीज का टोटल मैंने सेल कर दिया सिर्फ एक बुक ₹25 रुपीज का सो so डेफिनेटली मेरे को लॉस आएगा यू हैव रिटन इट ₹40 नाउ पता है गलती क्या कर रहे हो आप आप है ना सेलिंग सेलिंग प्राइस ले रहे हो एक बुक का एंड आप कॉस्ट प्राइस ले रहे हो दो बुक का तो तो आपको गलत ही आएगा ना आंसर आप सेलिंग प्राइस एक बुक का ले रहे हो आप कॉस्ट प्राइस so यहां पे पता मैं क्या करने वाला हूं मैं यहां पे जो अनसोल्ड बुक है ना अनसोल्ड बुक उसका मैं वैल्यू निकालने वाला हूं इसको भी लिख तो मेरे पास स्पेस है यहां पर बुक मैंने सेल नहीं किया है ट्वेंटी रुपीज से मुझे यहां पर आंसर ट्वेंटी नाउ इफ आई इफ आई क्लोज दिस अकाउंट से मुझे यहां पर क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट पक्का दिस इज द लॉजिक बिहाइंडेड अच्छा मैं यहां पर क्या यहाँ पे कर रहा हूं मैं यहां पर क्लोजिंग स्टॉक को कंसिडर कर रहा हूं राइट इट ऑन दिनाई इफ आई डू इट इन दिस वे से मेरा आंसर राइट है स बट अभी यहां पे क्या बोलता है मालूम है इन लोग हमारे अकाउंट्स के अंदर कुछ प्रोफेसर अपना यूनिवर्सिटी अपना यूनिवर्सिटी बोलते मत लिखना तू यहाँ पे, मत लिख तू? क्या है? तू? यहाँ पे लिखने से अच्छा तू यहां पे लिख दे क्लोजिंग स्टॉक ट्वेंटी रुपीज कहना से अगर मैं ट्वेंटी रुपीज यहां पे लिखा तो भी तो मेरा आंसर सही होगा देखो यहां पे मैं लिख दिया परचेस 40 rupees, sales 25 rupees, closing stock 20 rupees, closing stock 20 rupees, and now I am having a balancing figure of 5 rupees on the debit side, that's my gross profit, and that should be the answer, right? Have a look at it. 5 rupees here, 5 rupees here. Done. It's that simple. I hope you did understand this.